आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में BHEL पार्क की जमीन RSS से जुड़ी संस्था को अवैधानिक तरीके से देने का विरोध किया गया था। इस मामले में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज हो गई थी। इसी के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन दिए गए। घटना के विरोध में इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्री दिग्विजय सिंह द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को उपरोक्त विषय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कराने के लिए बार बार निवेदन किया जा रहा था, किंतु बात कराने के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठीचार्ज का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद वाटर कैनन से भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह पर हमले की कोशिश की गई। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि योजनाबद्ध तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से जानलेवा हमला किया गया तथा बाद में साजिश पूर्वक FIR भी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करती है कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए मामले की CBI से जांच करवाई जाए और तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज झूठी FIR को निरस्त किया जाए। इंदौर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दयाल चौहान के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव, कांग्रेस नेत्री किरण बेद, रीटा डागरे, रघु परमार, नितेश नरवले, मुकेश झांझोट पंछी, देवेंद्र सिंह यादव, शिव घावरी, अनु पटेल, महेश सिरसिया एवं अभिषेक करोसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए ऐसा है, जो पैसों से खरीदी हुई सरकार शिवराज सिंह चला रहे हैं, आप और हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस के विधायकों को करोड़ों में खरीद कर एक जनहितेशी चुनी हुई सरकार को गिराया और पैसे के बल पर सरकार बनाई। और जब से सरकार बनी है शिवराज सिंह की, जब से कुछ न कुछ ऐसा कार्य वो कर रहे हैं कि जैसा कि अभी हमने देखा कि BHEL में पार्क की जमीन थी। अरे पार्क की जमीन पर यूं भी लैंड यूज चेंज होने के पहले तक कुछ भी निर्माण नहीं किया जा सकता। वहाँ दो दो तीन तीन चार चार पूर्व मुख्यमंत्रियों ने वृक्षारोपण किया, केंद्र मंत्री ने वृक्षारोपण किया, और पार्क की जमीन कैसे आवंटित की जा सकती किसी भी संस्था को। हम आवंटन के विरोध में दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप कहीं और भी दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, पर यह पार्क की जमीन का आवंटन रद्द कीजिए। ये पार्क की जमीन है और इसे किसी भी संस्था को दिया जाना उचित नहीं होगा। दो बार के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव, इतना बड़ा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री को फ़ोन कर रहा है बात करने के लिए, पर मुख्यमंत्री को उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। बात करने का इसलिए उन्होंने नहीं सोचा क्योंकि उन्हें मालूम है कि आवंटन गलत हुआ है, गलत तरीके से हुआ है और गलत जमीन का हुआ है, तो क्या जवाब देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने माननीय दिग्विजय सिंह राज्यसभा सदस्य को समय नहीं दिया। समुच्चय कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी के साथ में है और जो झूठी FIR हुई है और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है इतने वरिष्ठ नेता पर, कोई आवश्यकता नहीं थी। वो कोई आंदोलन ऐसा नहीं, उग्र आंदोलन नहीं कर रहे थे, बात करने का बोल रहे थे, पर ये शिवराज की तानाशाह सरकार ने उन पर वाटर कैनन किया, FIR की और उन्हें हत्या करने का प्रयास किया है। आज हमने माननीय कमिश्नर महोदय को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया है और जांच की मांग की है कि इसमें CBI की जांच की जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR की जाए। धन्यवाद। जय हिंद।
दिग्विजय सिंह जी इंदौर आते हैं तो सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, लंबा लंबा काफिला इकट्ठा होता है, यहाँ गिनती के 50 लोग आते हैं। कोविड कोविड का पालन नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कोविड का पालन भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है। जो हमारे दयाल भैया ने आज अनुमति ली है और दयाल भैया के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक आंदोलन रखा गया है, इसमें 50 आए सो आए, चूँकि दिग्विजय सिंह जी पे एक और FIR ये दर्ज की गई कि आपने कोविड का पालन नहीं किया, वहाँ पर आपने ज़्यादा भीड़ कर दी, उसमें भी 188 में मुकदमा दर्ज किया। तो ये तो आप और हम समझ रहे हैं कि अगर विरोधी करे तो FIR कर दो और सत्ता पक्ष करे तो कोई FIR नहीं, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे हमें सब मिलकर इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे आने वाले चुनाव में। धन्यवाद, जय हिंद। नायडू विश्वकर्मा के दौरान लाठीचार्ज हुआ है वहाँ पर, कार्यकर्ताओं पर पानी की भिगा रखे गए, तो उसको लेकर किस प्रकार कांग्रेस का रोल क्या ज्ञापन दिया जाए? संपूर्ण रवैया जो अपना रही है बीजेपी जिस तरह से डराने का जो काम कर रही है, एक तो बहुत बड़ी गलती कर रही है कि जो संघ के द्वारा ये संचालित हो रही है और संघ के आगे घुटने टेक कर जिस तरीके से ये औद्योगिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की जो जमीन है वो संघ को आवंटन करना, ये शिवराज का कहीं ना कहीं उनका डरपोक किस्म के आदमी हैं और उन्होंने डर के मारे कि अपनी केवल कुर्सी बचाने के लिए संघ को वो जमीन मुहा कराई। उसके विरोध में आदरणीय हमारे राजा साहब ने जो प्रदर्शन किया, कि उन्होंने प्रदर्शन भी किया, उन्होंने मांग रखी कि हम केवल उनसे बात करना चाहते हैं शिवराज जी से, और वो बात करने गए थे। वहाँ पर एक DIG स्तर के आदमी ने उन पर लट उठाया और पानी की बोछार मार कर उनको जाने दिया, तो ये बहुत बड़ा घृणित काम किया। उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर राष्ट्रपति और शिवराज जी चौहान को ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर साहब के पास आए। देश में जाने पहचाने जाने वाले माननीय श्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर मैं तो कहूँगा प्रांगणा तक जो हमला का प्रयास किया गया है RSS और सत्ता के लोगों द्वारा और प्रशासकीय और पुलिस अधिकारियों ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उसी विषय को लेकर आज मैंने जो यहाँ पर एक आंदोलन का रूपरेखा रखी थी, आज जो सांकेतिक आंदोलन है, अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी उग्र प्रदर्शन करेगी, फिर हम केस लगने से भी नहीं डरेंगे। लेकिन आज कोविड का पालन करते हुए हमें जो संख्या बताई गई थी उसी संख्या के अंदर हम लोग आए हैं, क्योंकि हम पे प्रदेश भर में झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आपने परमिशन ली, इसलिए आज हमने विधि विधान से परमिशन लेके कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रदर्शन किया है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो प्राणघातक हमला किया गया है उसके ऊपर निष्पक्ष जांच की जाए, पूर्व हाईकोर्ट मजिस्ट्रेटों के द्वारा या फिर CBI के द्वारा जांच की जाए, और उनके ऊपर षड्यंत्र पूर्वक एक वायुवृद्ध नेता के ऊपर जब वो बोल रहे हैं कि कलेक्टर से मेरी बात कराओ या मुख्यमंत्री से मेरी बात कराओ, वो नहीं सुनते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है और वहाँ पर डायरेक्ट उनके ऊपर वाटर कैनन से हमला किया जा रहा है और लाठों से ऊपर हमला किया जा रहा है, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की पुनर्वृत्ति मध्य प्रदेश में आप चाहते हैं? हमारे यही शासन से मांग है और राज्यपाल महोदय जो हमारे नवनियुक्त राज्यपाल मध्य हैं, हमारे उनसे मांग है कि पक्ष और विपक्ष निर्विक और स्वतंत्र होकर जिस प्रकार मध्य प्रदेश में काम करता आया है, अपने लोकतंत्र के अधिकारों के लिए विरोध करना, पक्ष में समर्थन करना, वो हम लोकतंत्र तरीके से निष्पक्ष होकर कर सकें, राज्यपाल से हमारा यही निवेदन है। इसी विषय में हमने आज उनको ज्ञापन सौंपा है। घटना है भोपाल की, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी एक जनता की आवाज़ उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मिलने की कोशिश कर रहे थे और उनसे चर्चा करना चाहते थे कि ये जो ज़मीन है, ये बच्चों के खेलने की ज़मीन है, पार्क की ज़मीन है, इस ज़मीन को सत्ताधारी जो लोग हैं उनने RSS के लोगों को ये ज़मीन कार्यालय बनाने के लिए दी गई। ये ज़मीन एक्चुअल में है जो बच्चों के खेल का मैदान है और उस मैदान के लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी लड़ाई लड़ने जा रहे थे, उनने माननीय शिवराज जी को फ़ोन भी लगाया, उनने उनसे बात नहीं करी। प्रशासन द्वारा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो हमला कराया गया वाटर कैनर से और लाठीचार्ज के आदेश दिए गए थे, ये शर्मनाक थे, लोकतंत्र की हत्या है। जनता को धोखा देने वाली सरकार शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने पैसे के बल पर सरकार बनाई और उस सरकार ने पूरे प्रदेश में जितने कमलनाथ जी ने कब्जे खाली कराए थे, कमलनाथ जी की सरकार में जो लोग अवैध धंधे कर रहे थे वो कमलनाथ जी की सरकार में बंद हुए, अवैध कब्जे कमलनाथ जी की सरकार में खाली हुए, और वही सरकार
को धोखे से गिराकर और जनता के साथ गलत प्रकार से अपनी सरकार बना के शिवराज सिंह चौहान ने उस वापस उस कब्जेधारी बिल्डरों के साथ मिलकर वापस उस जो समय चल रहा था लूटपाट का, वो लूटपाट का समय वापस आ गया है। महंगाई चरम पे है और ऐसे में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ रहे हैं। ऐसे में आज भी उनका जज्बा है और आज भी वो युवा की तरह आज मैदान में जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। ऐसे में हम दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। हमने आज कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन दिया है, माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है और ऐसे जो झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, इसके लिए घोर निंदा करते हैं हम लोग और हम सब कांग्रेस के लोग एक संगठित होकर दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़े।